जय हिंद दोस्तों। दोस्तों आज हम यहां पर पढ़ेंगे एलसीएम एससीएफ, जैसा कि आपने थंबनेल पर देखा है, जिसको हिंदी में हम कहते हैं लस और मस। ठीक है, लस और मस ये क्या है, मतलब ये एक ऐसा टॉपिक है जिसकी वजह से आप पूरी मैथ्स में गलतियां करते हो। यहां पर मान लो 100 लड़कों को लिया जाए, उसमें से केवल 10 लड़के ऐसे होंगे जिसको जो इनको अच्छी तरीके से कर पाते हैं, पूरा कॉन्फिडेंस के साथ में कर पाते हैं। बाकी 90% जो लोग हैं वो इसमें कंफ्यूज रहते हैं और कंफ्यूजन की वजह से हर एक चीज को गलत करते हैं, हर एक सवाल को गलत करते हैं। क्यों? तो उसका कारण यहां पर देखेंगे और इनको बहुत आसानी से एकदम मौखिक तौर पर भी किस तरीके से निकाल पाएंगे वो भी यहां पर देखेंगे। अब इसको समझने से पहले इसका इंपोर्टेंस थोड़ा सा जान लीजिए। इसका इंपोर्टेंस ये है कि ये मैथ्स के हर एक टॉपिक में इस्तेमाल होते हैं। हर एक टॉपिक को यदि आसान बनाना है तो आपको इसको आसान बनाना पड़ेगा। बेस्ट शॉर्ट ट्रिक यहाँ पर पूरा इस्तेमाल करेंगे, मतलब एकदम शॉर्टकट तरीके से लस मस को किस तरीके से हल करेंगे। ठीक है, तो एचसीएफ और एलसीएम यही एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो पटवारी बोले या फिर एसएससी एसएससीजीएल या फिर किसी भी पुलिस के जितने भी प्रकार की सारी एग्जाम से हर किसी के लिए बहुत एक परफेक्ट होता है और जरूरी होता है। ठीक है, तो आइए यहां पर स्टार्ट करें। सबसे पहले यहां पर दिया है एलसीएम एंड एचसीएफ। अब यहां पर एलसीएम का फुल फॉर्म क्या होता है और एचसीएफ का फुल फॉर्म क्या होता है, सबसे पहले ये जान लें। तो एलसीएम का फुल फॉर्म यहां पर यह दिया है कि लोएस्ट कॉमन मल्टीपल या फिर ये भी बोल सकते हैं, कहीं कहीं लिखा हुआ रहेगा लिस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है, लिस्ट कॉमन मल्टीपल तो हम नॉर्मली इस्तेमाल करते हैं लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, राइट। और इसके बाद में यहां पर लिखा है एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन मल्टीपल या हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, यहां पर क्या बोलेंगे इसको, एच से हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ये है। और बाकी इसका जो हिंदी में बात करेंगे तो हिंदी मीडियम के लिए यहां पर है लस और मस, लघुतम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक। ये लघुतम समापवर्तक और ये महत्तम समापवर्तक, तो इस तरीके से यहां पे ये है हिंदी और इंग्लिश में इसका फुल फॉर्म। अब इसके बाद में आज की जो क्लास है ये काफी बड़ी नहीं होगी, एकदम कुछ ही मिनट्स की जो क्लास होगी, लेकिन इसमें बहुत ऐसी चीज सीखने के लिए मिलेगी जो आज के बाद आप कभी गलती नहीं करोगे और आज के बाद आपको कभी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी और इसी से मैथ्स आसान होगी। देखो, तो आज की इस क्लास में हम पढ़ेंगे क्या, तो इस क्लास में कंप्लीट करेंगे एलसीएम एससीएफ। तो एलसीएम सबसे पहले लेंगे, तो एलसीएम एकदम बेसिक तरीके से और सिंपल कंसेप्ट किस तरीके समझते हैं वो यहां पर देखना है। तो देखो, यहां पर एलसीएम के लिए बेस्ट शॉर्ट ट्रिक का इस्तेमाल करेंगे और यहां पर इसका फुल फॉर्म लिखा है लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। यहां पर आपको हो सकता हो ना दिखे, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, यहां पर मैंने बोल के 2-3 बार यहां पर भी बताया, तो यहां पर भी देख लेना है। ठीक, अब इसमें सबसे पहले जो बेसिक एकदम फंडामेंटल चीजें हैं वो देख लेंगे और एकदम उसमें ट्रिक का भी इस्तेमाल कर लेंगे। ट्रिक व्रिक कुछ नहीं है, नॉर्मल फंडे ही है जो आपको एक बार ध्यान रखना है और अपने माइंड में उतार लेना है। सबसे पहला वाला प्रश्न यहां पर देखें, सबसे पहला प्रश्न ये है कि यहां पर 2, 4, 8, 16 मतलब 2, 4, 8, 16 इसका आपको निकालना है एलसीएम। एलसीएम मतलब यहां पर लघुतम समापवर्तक। ठीक है, लघुतम समापवर्तक ये निकालेंगे। तो यहां पर एलसीएम निकालने के लिए क्या करना है, तो एलसीएम एससीएफ निकालने से पहले आपको दो बातें हमेशा याद रखना है। जब भी आप एचसीएफ निकालोगे, एचसीएफ ये निकालोगे, तो यहां पर जो भी नंबर आएगा वो छोटा नंबर आएगा। ठीक है, वो छोटा नंबर आएगा, और एलसीएम निकालोगे तो यहां पर जो भी नंबर आपका आंसर आएगा वो बड़ा आएगा। ठीक है, तो कई स्टूडेंट्स छोटा बड़ा इस तरीके से भी वो करते हैं, तो यहां पर कंफ्यूज नहीं होना है। एचसीएफ मतलब यहां पर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, बोलने में क्या है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो सबसे बड़ा होगा, लेकिन ऐसा नहीं है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है लेकिन उसका जो आंसर आएगा वो सबसे छोटा वाला आएगा। और लोएस्ट कॉमन फैक्टर मतलब यहां पर लोएस्ट मतलब ये समझते हैं कि सबसे छोटा वाला फैक्टर मल्टीपल। ठीक है, तो यहां पर सबसे छोटा वाला नहीं, उसका आंसर आएगा वो इससे एचसीएफ से बड़ा आएगा। ठीक है, तो यहां पर ये ध्यान रखना है और इससे कंफ्यूज नहीं होना है। अब आए इस प्रश्न पे, और यहां पर ये जो प्रश्न है 2, 4, 8, 16 इसका आपको बताना है एलसीएम। ठीक है, एलसीएम लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, तो यहां पे इसका एलसीएम क्या होगा, तो नॉर्मल आपको नेताओं की कहानी को लेके समझ लेना है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पे समझने के लिए ये ले लें कि यदि एक नेता है जो काफी बड़े लेवल पे है। ठीक है, तो एक मुख्यमंत्री, किसी स्टेट का मुख्यमंत्री ले लें, मुख्यमंत्री के बाद में बहुत सारे विधायक आते हैं, सांसद वगैरह आते हैं।
ठीक। तो ये आते हैं, तो यहां पर इनमें जो सबसे बड़ा है ये क्या है, मुख्यमंत्री सीएम है, ठीक है। सबसे बड़ा कौन है, 16 है, मुख्यमंत्री सीएम है। अब कहीं भी बड़े लेवल की मीटिंग होना है जहां पर प्रधानमंत्री पीएम कोई मीटिंग ले रहे हैं तो कौन जाएगा सबसे पहले, तो यहां पर सीएम जाएंगे। कौन जाएंगे, सीएम, मुख्यमंत्री जाएंगे, राइट। तो सीएम जाएंगे तो उनके साथ में यहां पर इनको जाने के लिए ये बाकी लोग भी एग्री रहेंगे कि हाँ आप जाओ और वहां पर पार्टिसिपेट करो, ठीक। तो इस तरीके से यहां पर ये जाएंगे, तो इनको यहां पर ले लो आगे, तो यहां पर 16। अब यहां पर सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, 16 है, तो 16 को ले लिया। और 16 को लेने के बाद में अब ये देखो कि ये आपका एलसीएम है या नहीं है। यदि ये यहां पर जो मुख्यमंत्री आगे जा रहा है, यदि इन सबकी परमिशन है तो इसका मतलब क्या है कि ये यहां पर जाएगा। मतलब यहां पर इन सभी नंबर से यदि ये 16 डिवाइड होता है, इसमें सभी का भाग चला जाता है, 2 का 4 का 8 का 16 का। अब 2 से इसमें भाग देंगे तो पूरी तरीके से ये कट जाएगा, कितना आएगा, 8, ठीक है। इसी टाइप से फिर यहां पे देखेंगे, इसमें 8 4 से भाग देंगे 16 में तो भी क्या होगा, ये कट जाएगा 4 बार में, ठीक। उसके बाद में फिर यहां पे देखें आगे, अब ये 16 है और इसमें 8 से भाग देंगे तो भी 2 बार में कट जाएगा। और उसके बाद फिर लास्ट में देखें तो ये 16 है और 16 में 16 का भाग देंगे तो भी 1 बार कट जाएगा। इसका मतलब ये सबसे बड़ी वो संख्या जो दिए गए सारे नंबरों से कट जाए वो एलसीएम कहलाता है, ठीक है। तो यहां पे एलसीएम क्या होगा, तो एलसीएम यहां पे आ गया इसका कितना, 16 आया, राइट। इतना क्लियर है, फिर से एक बार देख लो, दिया गया वह नंबर जो बाकी सारी संख्याओं से कट जाए, पूरी तरीके से विभाजित हो जाए, वो क्या कहलाता है, वो है एलसीएम, राइट। तो ये एलसीएम यहां पर आ गया, एलसीएम, क्लियर है। अब ये करने के बाद में सेकेंड नंबर पर आ जाओ, दूसरे नंबर पर क्या दिया है, 5 12 15 और 30, 5 12 15 और 30। तो 5 12 15 30 में इनमें एलसीएम क्या होगा, आपको एलसीएम बताना है, ठीक है। इन सभी का एलसीएम क्या होगा, तो यहां पर ये देखो, इसमें सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, तो सबसे बड़ा नंबर कौन है, 30 है। सबसे बड़ा नंबर कौन है, 30 है, तो 30 को ले लो, ठीक है। अब ये 30, क्या ये 30 इन सभी से डिवाइड होगा, यदि डिवाइड होगा तो फिर यही एलसीएम होगा, ठीक है, यही एलसीएम होगा। लेकिन डिवाइड नहीं होगा सभी से तो फिर ये एलसीएम नहीं होगा। तो देखो यहां पर 30 5 के पहाड़ से डिवाइड होगा तो बिल्कुल होगा, काट दो इसको। इधर यहां पे 12 से डिवाइड होगा, 12 से डिवाइड नहीं होगा, इससे डिवाइड नहीं होगा। 15 से हो जाएगा तो 15 से ये 30 हो जाएगा, और 30 से भी हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से सभी से डिवाइड हो रहा है, लेकिन एक नंबर ऐसा है 12 जिससे डिवाइड ये नहीं होता है, राइट। तो फिर क्या करेंगे, अब यहां पर ये करो कि ये जो नंबर है इसको क्या कर दो, इसमें 2 का गुणा कर दो या फिर इसका डबल कर दो, तो ये 30 दुना कितना होगा, 60 होगा। 30 दुना कितना होगा, 60 होगा। अब ये देखो, क्या 12 के पहाड़े में 60 आता है, 12 के पहाड़े में आता है 60, 12 5 60, ठीक है। तो इस तरीके से यहां पे 12 5 60 ये आता है, ठीक। अब यहां पे इससे भी डिवाइड होता है, तो इसका मतलब ये इससे भी हो गया कंप्लीट। अब 5 से भी डिवाइड होगा, 15 से भी हो जाएगा, 30 से भी हो जाएगा और 12 से भी हो जाएगा। मतलब सभी से ये 60 है, ये डिवाइड होगा, इसमें सभी से भाग चला जाएगा, ठीक है, सभी से कट जाएगा। इसका मतलब क्या है कि आपका जो एलसीएम है वो क्या होगा, 60 होगा, ठीक। तो यहां पर ये आया, तो इन दोनों से आपको इतना क्लियर हुआ होगा कि सबसे बड़ा नंबर लेना है, एलसीएम मतलब क्या है, सबसे बड़ा नंबर लेना है, और वो नंबर जो दिए गए सारे नंबरों से, दिए गए सारे नंबरों से डिवाइड हो जाए, जिसमें भाग चला जाए, दिए गए सारे नंबरों से 60 विभाजित हो जाता है, इसमें भाग चला जाता है या बोलो कट जाता है, राइट। इस तरीके से यहां पर यह हुआ। और अब आते हैं थोड़ा सा अलग तरीके से, यदि इसको थोड़ा सा घुमा दिया जाए और ऐसा नंबर ना मिले जो इनसे डिवाइड हो जाए तो क्या करें हम। अब देखो यहां पे तीसरा वाला है, 5 7 और 15, 5 7 और 15। तो यहां पर इसमें इस सबसे बड़ा वाला नंबर क्या है, 15 है, तो 15 को यहां पे लिख लो, ये 15। अब 15 से डिवाइड हो जाएगा, ये 5 से भी डिवाइड हो जाएगा, लेकिन 7 से डिवाइड नहीं होगा, 7 का भाग इसमें नहीं जाएगा, ठीक है। 5 15 से तो चला जाएगा, लेकिन यहां पर 7 से नहीं जाएगा। तो फिर क्या करेंगे, तो फिर एक काम करें, अब ये वाला जो नंबर है ना, ये 7, ये प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर है, मतलब इसको हिंदी में बोले थे अभाज्य संख्या है, और अभाज्य संख्या का अभाज्य उसी संख्या से में ही भाग जाएगा। अब 7 का 7 से ही भाग चला जाएगा, या फिर 7 का जो भाग है 1 में 1 से ही 7 में चला जाएगा। तो इस तरीके से यहां पे ये 7 जो अभाज्य संख्या है, इस अभाज्य संख्या जब भी आ जाए, अभाज्य क्या है, अभाज्य संख्या,
तो अभाज्य संख्या जब भी आ जाए तो क्या करना है, जो यहाँ पर सबसे बड़ा नंबर है इसमें इसका गुणा कर देना है, इसमें इसका गुणा कर देना है और फिर यहाँ पे लिख देना है, यहाँ पे 7 × 5 = 35 ये आया, 7 × 7 = 3 = 10 होगा, मतलब 105, जो 105 इसका गुणा करने पर आया, ये 105 ऐसा नंबर है जो 15 से भी विभाजित होता है, मतलब 15 का भाग भी इसमें जाता है, 7 का भाग भी जाता है और 5 का भाग भी इसमें जाता है, मतलब 105 सभी से डिवाइडेड है, 105 में सभी का भाग चला जाता है पूरी तरीके से। इसका मतलब ये है कि जो 105 है ये है आपका LCM, किसका LCM है, तो 5, 7 और 15 का, 5, 7 और 15 का, क्लियर हुआ इतना। तो ये है एकदम सिंपल सा तरीका, और उसके बाद फिर से आगे और यहाँ पे चौथे नंबर पे आते हैं, चौथे नंबर को ध्यान से देखें, इसमें क्या दिया है, इसमें यहाँ पर ये दिया है 3, 12 और 13, 3, 12 और 13 ये तीन नंबर आपको दिया हुआ है, राइट। अब यहाँ पर सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, 13 है, सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, 13 है, लेकिन ये एक अभाज्य नंबर है, ये कौन सा है, एक अभाज्य नंबर है। तो अब यहाँ पर ये देखो कि 3 का भाग इसमें तो चला जाएगा, 3 का भाग इसमें चला जाएगा, लेकिन इसका भाग इसमें नहीं जाएगा, राइट। तो क्या करें, यहाँ पर ये जो 12 है ना, इस 12 का 13 में क्या कर लें, गुणा कर लें, 12 का 13 में गुणा कर लो तो आपको LCM मिल जाएगा, तो 12 × 13 कर लो, ठीक है, 13 × 2 = 26 होगा, 26 का 6 होगा और 2 हासिल, 13 × 13 और 2 कितना होगा, तो 15 होगा, 156 इसका आ जाएगा, 156 इसका आ जाएगा, राइट। तो इस तरीके से यहाँ पे फोर्थ वाले का आंसर ये निकल गया LCM, और उसके बाद में फिर आते हैं पांचवें नंबर पे, ठीक है। अब पांचवें नंबर पे क्या है, तो इसमें दिया है 2, 3, 5, 7, 2, 3, 5, 7, इसमें यहाँ पर ये देखो कि ये सबसे बड़ा जो नंबर है ये इनमें से किसी से डिवाइड नहीं होता है, एक का भी भाग 7 में नहीं जाएगा, राइट। 2 के पहाड़ में 7 नहीं आता है, 2 से भाग इसमें नहीं जाएगा, 3 से भी 7 में भाग नहीं जाएगा और 5 से भी ये नहीं कटेगा। इसका मतलब ये है कि ये तीनों की तीनों अलग है, ठीक है, 2 से 3 नहीं कटेगा, 3 से 5 नहीं कटेगा और 5 से 7 नहीं कटेगा, मतलब कोई भी किसी के पहाड़े में नहीं आता है, कोई भी किसी से नहीं कटेगा। जब ऐसी कंडीशन आए, ठीक है, जब कोई बीमार होता है और कोई भी डॉक्टर उसको एकदम सही तरीके से इलाज नहीं कर पाता है या फिर छोटा मोटा इलाज से काम नहीं हो रहा है तो उसको ICU में रखना पड़ेगा, राइट। इसी टाइप से ये सवाल भी कुछ ऐसा ही है, ये थोड़ा अलग टाइप का है। तो यहाँ पर तीनों अलग है, ठीक है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, इसका इसमें गुणा कर देंगे, इसका इसमें कर देंगे, इसका इसमें कर देंगे, राइट। तो 2 × 3 = 6 होगा और 6 × 5 = 30 होगा और 3 × 7 = 21, मतलब यहाँ पे 210 होगा, ये होगा। तो 210 एक ऐसा नंबर है, इस 210 में 2 से भी भाग जाएगा, 3 से भी भाग जाएगा, 3 × 7 = 21 और 5 से भी इसमें भाग जाएगा क्योंकि लास्ट में 0 है और 7 × 21 = 7, 7 से भी इसमें पूरी तरीके से भाग चला जाएगा, राइट। तो इस तरीके से यहाँ पर ये हुआ बेसिक फंडामेंटल, और इसमें एक और यहाँ पर बचा हुआ है, इसको देख ले लास्ट में। अब इसमें क्या दिया हुआ है, इसमें 5 दिया हुआ है, 11 दिया है और 3 दिया है, 5, 11 और 3, राइट। अब यहाँ पे ये बताओ कि इस 5 से 11 डिवाइड होगा क्या, 3 डिवाइड होगा क्या, तो नहीं होगा, राइट। इस 11 से 5 और 3 में किसी में भाग जाएगा क्या, नहीं जाएगा, 3 से इन दोनों में भाग जाएगा, नहीं जाएगा, ठीक है। इसका मतलब ये है कि ये तीनों भी अलग अलग हैं, ठीक है, तीनों की कैटेगरी अलग अलग है, तीनों किसी के पहाड़े में नहीं आता है, ये तीनों अभाज्य नंबर है, ठीक है, प्राइम नंबर है। तो प्राइम नंबर है मतलब अभाज्य नंबर है, जब भी अभाज्य नंबर आए या फिर प्राइम नंबर आए तो इनका आपस में क्या कर देना है, गुणा कर देना है। यहाँ पर ये भी क्या थे, अभाज्य नंबर थे, ये 7 अभाज्य नंबर है, 5 भी अभाज्य नंबर है क्योंकि इसका इसी में ही भाग जाएगा, और इस ये 3 है ये भी अभाज्य नंबर है, 2 भी अपने आप में सम अभाज्य नंबर है, ठीक है। यहाँ पर एक बात ध्यान रखना है कि एकमात्र ऐसा सम अभाज्य नंबर कौन सा है, तो वो केवल एक ही है, वो कौन सा है, 2 है, ये परमानेंटली यहाँ पर याद रखना, कभी क्वेश्चन बन भी सकता है, राइट। तो इस तरीके से अब यहाँ पर इन तीनों का गुणा कर दो, आपका आंसर मिल जाएगा, LCM आ जाएगा, ठीक। तो यहाँ पर 11, 5 होगा 55, तो यह 55 आया और 55 में इस 3 का गुणा कर दो, 55 में 3 का गुणा कर दो तो यहाँ पर आ जाएगा 3 × 5 = 15, 1 × 3 = 15 = 16। तो इस तरीके से यहाँ पे 165 है, ये क्या है आपका LCM, LCM, राइट। तो ये क्लियर हुआ, ये सारी चीज़ें पढ़ने के बाद में अब आपको इस टाइप के यदि क्वेश्चन कोई भी आता है, कोई भी डाउट नहीं होगा, किसी भी प्रकार का कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा, राइट, इतना क्लियर है। और अब
यदि यहां पर इतना सब कुछ अपन ने सीखा है, इतना क्लियर हुआ है, एक एक चीज पूरी क्लियर होगी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी। सबसे पहले वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दें, ठीक है, नहीं तो बाद में लास्ट में क्या होगा, लास्ट में वीडियो देख लेंगे और भूल जाएंगे, ठीक है। 90% स्टूडेंट यही करते हैं, देख लेते हैं, भूल जाते हैं, सब्सक्राइब नहीं करते हैं या फिर लाइक नहीं करते हैं। तो सबसे पहले ये कर दें और उसके बाद फिर यहाँ पर ये देखें, अब इस टाइप का मान लो कोई संख्या दी है, कोई बड़ी संख्या दी है, तो फिर आपको LCM कैसे निकालना है, उस LCM को केवल देख के कैसे निकालना है, ये देखें बहुत कम टाइम में। अब यहाँ पे देख लें तो इसमें यहाँ पर ये पूरा तीन का पहाड़ा लिखा हुआ है, ठीक है, तीन की टेबल है, मतलब तीन का पहाड़ा लिखा हुआ है ये, और यहाँ पे चार का पहाड़ा लिखा हुआ है, चार का छः, चार दोनों आठ, छः बारह, चार सौ सोलह, चार पंजे बीस, चार संग चौबीस, चार सौ तो अट्ठाईस, चार आठ बत्तीस, चार नौ छत्तीस, चार धाम चालीस। तो इस तरीके से पूरा ये पहाड़ा लिखा हुआ है, इधर छः का पहाड़ा लिखा हुआ है, यहाँ पे सात का लिखा हुआ है, इस तरीके सबका ये टेबल या मतलब पहाड़ा लिखा हुआ है, राइट। अब यहाँ पे आपको ये बोला कि इसका LCM क्या होगा, राइट, इसका LCM क्या होगा, तो LCM यहां पे इसका क्या होगा, तो सबसे पहले यहां पे देखें, आपको दिया है ये नंबर और पूछ लिया आपको LCM, तो LCM बताना है, तो LCM क्या होगा, मतलब एक ऐसा कॉमन फैक्टर देखना है, ठीक है, कॉमन फैक्टर देखना है जो दोनों के पहाड़े में आए, तो दोनों के पहाड़े में क्या है, थोड़ा ये देख लो। तो अब यहां पर तीन इसमें नहीं है, ठीक है, इधर आठ और छः अलग अलग है, इधर यहाँ पे नौ, इधर इस वाले में नौ नहीं है, तो बारह है, तो यहाँ पर ये है बारह, क्या है बारह, एक तो ये कॉमन है, ठीक है, तो यहाँ पे बारह लिख लें, बारह कॉमन है, ठीक है, और उसके बाद में और क्या कॉमन है, तो उसको देख लो यहाँ पे, उसको यहाँ पे गुणा कर देना। अब पंद्रह नहीं है, अठारह नहीं है, ठीक है, बीस, यहाँ पे बीस है, यहाँ इक्कीस है, यहाँ चौबीस है, तो इधर चौबीस है, तो एक यहाँ पर मिला ये वाला, ठीक है, इस तरीके से। तो जो भी कॉमन आपको मिलेगा, ठीक है, उनको इधर ला के लिख लेना है, और लिखने के बाद में फिर यहाँ पे और देख लो आगे, यहाँ पे 24 को लिख लो पहले, अब यहाँ पे 27 है, 28 है, 30 है, 32 है, फिर आपको नहीं मिलेगा यहाँ पर कोई भी, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे जो भी मिला है आपको, दो जोड़े मिले हैं सेम सेम के, तो उनको लिख लिया, इनका आपस में गुणा कर लो, इनका गुणा करने के बाद में आपको जो भी नंबर मिलेगा वो क्या मिलेगा, तो वो मिलेगा LCM, मतलब एक ऐसा नंबर मिलेगा जिसमें इन सभी से डिवाइड हो जाएगा, इन जितने नंबर लिखे हैं इनमें से किसी से भी उसमें भाग देंगे तो भाग चला जाएगा, राइट। गुणा करो, बारह छोगा अड़तालीस होगा, तो 48 का 8 होगा और 4 80 होगा, और 12 दुना 24 होगा, 24 और ये 28 होगा, राइट, तो 288। तो 288 एक ऐसा नंबर है जो 36 से भी डिवाइड होगा, 32 से भी होगा, 28 से भी होगा, 18 से भी होगा, 15 से होगा, 27 से, किसी से भी हो जाएगा, ठीक है, किसी से मतलब इनके पहाड़े में जो आता है उसमें से किसी से भी हो जाएगा, जो यहाँ पर इन दो लाइन में लिखा हुआ है, राइट, ये हुआ क्लियर। अब यदि इसमें ये पूछ ले कभी आपको कि यहाँ पे इन सब में आपको HCF बताना है, HCF हालांकि आपको अलग से पूरा बताऊंगा, ये पूरा LCM बता रहा हूँ मैं, ठीक है, LCM अलग से बताऊंगा, लेकिन फिर भी आप इन दोनों लाइनों में देख लें कि यहाँ पर यदि आपको HCF पूछ लिया या फिर मस पूछ लिया, क्या मस ये क्या है, ये लस है, ठीक है, लस LCM लस है, और इधर ये मस है, तो मस क्या होगा, मस मतलब HCF का मतलब ये होगा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर, ये नहीं बोला है कि कॉमन फैक्टर, ठीक है, LCM में क्या होता है, कॉमन फैक्टर होता है, लोवेस्ट कॉमन फैक्टर होता है, ठीक है, लेकिन इसमें जो HCF होता है इसमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मतलब सबसे बड़ा वाला कॉमन फैक्टर जो होगा वही आपका HCF होगा, मतलब वही आपका मस होगा, राइट। तो देख लो इसमें इन दोनों में सबसे बड़ा कौन सा है, ये 12 छोटा है, 24 बड़ा है, तो आपका जो HCF होगा ये कितना होगा, 24 होगा, तो ये आपका आंसर होगा, ये क्या होगा, महत्तम समापवर्तक, और ये क्या होगा, लस होगा, मतलब यहाँ पे LCM होगा, राइट। इतना क्लियर हुआ यहाँ पर। अब बढ़ते हैं आगे, और यहाँ पर लास्ट में दो लाइन और लिखी हुई है, एक छः का पहाड़ा लिखा हुआ, एक सात का पहाड़ा लिखा हुआ, ठीक है, यहाँ पर भी आपको बताना है LCM, राइट। तो LCM यहाँ पर देखेंगे तो इसमें देखो सबसे पहले कि कॉमन क्या क्या चीज़ें हैं, यहाँ पर 12 है, इधर नहीं है 12, ठीक है, इधर 14 18 है, और इधर 24 है, तो इधर 21 है, ठीक है, 30 28 है, इधर 35 36 है, अलग अलग है, 42 है, तो 42 सेम आ गया, ठीक है, 42 क्या है, दोनों में समान है, कॉमन है, राइट। उसके बाद में 48 49 है, 54 है, 56 है, इधर 60 है और 63 है, अब एक भी कॉमन नहीं है, मतलब ये है कि यहाँ पर जो LCM होगा वो केवल एक ही नंबर होगा, क्या होगा, वो होगा 42, क्या होगा, 42, ये आपका LCM है। यदि इसमें HCF पूछ लिया होता, HCF, तो क्या आता आपका, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर भी एक ही है, ठीक है,
लोवेस्ट कॉमन फैक्टर बोलो या फिर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बोलो, यहाँ पर एक ही है क्योंकि सिंगल एक ही जोड़ा बना है, तो यहाँ पर 42 ही आएगा। ठीक है, इसलिए कभी कभार बात एक बात हमेशा ध्यान रखना है, कभी कभी एलसीएम एचसीएफ के बराबर होता है, परमानेंटली नहीं। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे ये जो टॉपिक है एलसीएम एचसीएफ, इसमें आज की क्लास में हमने जो पढ़ा है वो पढ़ा है एलसीएम। ठीक है, दो बार मैंने केवल बताया एचसीएफ। एचसीएफ को हम इसके बाद वाली क्लास में पढ़ेंगे, उसको भी इसी टाइप से एकदम सिंपल तरीके से समझ लेंगे। ठीक है, और कोई कहीं से कहीं तक कोई दिक्कत नहीं आएगी, एकदम शॉर्ट तरीके से फंडामेंटल तरीके से हम समझ लेंगे। ये है एकदम शॉर्ट तरीका, ये है यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट, जिसको अपन बोलेंगे क्या, कॉन्सेप्ट, राइट। तो इस तरीके से पढ़ाई करना है, पढ़ाई को इतना आसान बना देना है कि आपको कहीं से कहीं तक कोई बिल्कुल ना लगे कि आप पढ़ाई कर रहे हो। पढ़ाई करने बैठो तो इस तरीके से बैठो कि आप कहीं कोई गेम खेलने बैठ रहे हो। ये क्या है, एक प्रकार से गेम ही है। ठीक है, गेम ही है, ये माइंड गेम है। ठीक है, माइंड गेम है मतलब दिमाग से खेलने वाली चीज़ें हैं, इन आंकड़ों से खेलने वाली चीज़ें हैं। ये काम जिस दिन करना सीख लिया मैथ्स को, आप मजाक मजाक में सारी चीज़ें कंप्लीट कर लेंगे, राइट। तो दोस्तों ये वीडियो यहाँ तक ही, लेकिन लास्ट में एक बात हमेशा याद रखना है कि मैथ्स में जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतना परफेक्शन आएगा। इसलिए स्वामी विवेकानंद ने एक बात, एक थॉट्स हर स्टूडेंट्स के लिए बोला है, वो ये है, मोर प्रैक्टिस मोर परफेक्शन, नो प्रैक्टिस नो परफेक्शन। और लास्ट में एक और यहाँ पर बात बोली थी इन्होंने, वो भी स्टूडेंट्स के लिए ही थी, एवरीथिंग इज पॉसिबल नथिंग इज इम्पॉसिबल, इफ यू वॉन्ट यू कैन डू एनीथिंग एंड एवरीथिंग, राइट। तो दोस्तों लास्ट में बेस्ट ऑफ लक, एंड मिलेंगे फिर अगले क्लास में। अगली जो क्लास होगी वो किससे होगी, तो वो होगी HCF, किसकी होगी, HCF, पूरी इसी पे डिपेंडेंट होगी। एक यहाँ पर क्लास ये, एक दूसरी इसकी, उसके बाद तीसरा जो क्लास होगी वो पूरी HCF LCM के बड़े बड़े जो क्वेश्चंस वगैरह होंगे उनको यहाँ पर लेंगे, और एक एक चीज़ को बड़ी से बड़े जो सवाल है उनको आसानी से वो पूरा कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, तो फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।